अंजनी यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद हेतु लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सुधींदर मोंड को दिलीप नंबर 4 चुनाव से मक्का के निशान पर वोट देकर विजयी बनाए। डबलगढ़ के सभी आदरणीय माताओं बहनों, शेखावाटी उत्सव 2020 यह 25वां शेखावाटी उत्सव है और मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ कार्य ग्रहण किए हुए लगभग 5-6 महीने हो गए और पहली बार बोलने का मौका मिला है और वो भी इसलिए मिला है कि इस दिन साहब चले गए। तो इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए और हमारे लोक संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित करने का जो एक पावन प्रयास मोरारका फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत ऋणी है शेखावाटी क्षेत्र की, आप इस प्रकार के कार्यक्रम करवा करके अपने क्षेत्र की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति जो है, इसको जीवंत रखते हैं और एक नई प्राणवायु का संचार यहाँ के लोगों में होता है। आज के ज़माने में जब हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं और अपने क्षेत्रीय परिवेश, क्षेत्रीय भोजन, क्षेत्रीय खेलकूद, क्षेत्रीय परिवेश, वेशभूषा, रीति नीति, कस्टम्स, इन चीज़ों को छोड़ करके हम पाश्चात्य ग्रंथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे अवसर में अपने धरती के साथ, अपने संस्कृति के साथ जुड़ने का ये गौरवमय अवसर कभी कभी मिलता है। और आदरणीय मुरारका जी और मुरारका फाउंडेशन निश्चित रूप से इसके लिए उनका जितना आभार प्रकट करें कम है कि हम सब लोग अपने इस प्रकार के कार्यक्रम में आकर न केवल अपने बचपन को जिंदा करते हैं, साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है इसको एनरिच करने के लिए अपना जो सब लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। शेखावाटी उत्सव 2020 ये 25वां शेखावाटी उत्सव है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे जो क्षेत्रीय संगीत जो है, क्षेत्रीय खेल हैं, अपनी क्षेत्रीय संस्कृति है, तो उसको ये एक नया रूप देते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, इससे हमारी शेखावाटी क्षेत्र की जो गौरवमय संस्कृति है उसको जिंदा रखने का बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें जैसे हम क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता भी हो रही है, अब जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, हड़दड़ा है, गुल्ली डंडा है, चील झपटा है, ये इस प्रकार के खेलकूद हैं जो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक आंतरिक खुशी और उमंग पैदा करते हैं। और ठीक ऐसे ही हमारे जो क्षेत्रीय लोक संगीत के कार्यक्रम होते हैं, इनसे हमारे मन के अंदर एक नया ऊर्जा का संचार होता है और ये निश्चित रूप से हम सबको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान करता है।